अफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई कहता है जी मैं हाइट अटेन नहीं करूंगा, मैं अर्थ के अंदर मिट्टी खोदूंगा और अर्थ के डायमीटर की तरफ जाना शुरू कर दूंगा, अर्थ के अंदर जाऊंगा, अब देखूंगा कि जी कैसे चेंज होगा. तो डायग्राम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये आपकी अर्थ है. अर्थ की सरफेस के ऊपर स्मॉल जी का फॉर्मूला, जी बड़ा मास, बड़ा मास, मास किसका है, अर्थ का, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर. और आप कहीं से भी एक्स डिस्टेंस एंटर कर जाएं, आप अगर इस कंट्री में हैं तो यहाँ से एंटर करें, आप यहाँ पर यहाँ से एंटर करें तो बराबर कहीं से भी एक्स एंटर कर जाएं. अब आप कहाँ पर आ चुके हैं, सेंटर से कितनी दूरी पर हैं, आर माइनस एक्स. यहाँ पर जी का फॉर्मूला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, पहले देख, लिखने से पहले देख लें जी. ये तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है तो हर जगह सेम ही सेम रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो पूरी की पूरी अर्थ मुझे, अर्थ का सेंटर मुझे खींचता है, पूरी की पूरी अर्थ का मास मुझे खींचता है. लेकिन जब मैं यहाँ पे आ गया, कहीं पर भी यहाँ पे आ गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना मास ही खींच पाएगा, इसके बाहर का मास मुझे नहीं अट्रैक्ट करेगा, ये कंसिडर नहीं किया जाता. अब ये बड़ी बात है क्योंकि मैं इसको जो है, हम प्लस टू के अंदर एक चैप्टर भी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी उसमें गॉस थ्योरम्स करवाते हैं, गॉस थ्योरम में इसका प्रूफ आता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे का वॉल्यूम ही हम पे फोर्स लगाता है बस, और बाहर का नहीं लगाता कभी भी. तो इसलिए जो आपने शेड किया इसका मास कितना है, एम डैश, जो शेडेड वाला पोर्शन है इसका मास है एम डैश. तो जी इज इक्वल टू, या जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी, टोटल अर्थ का मास नहीं लेना, एम डैश लेना है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं उसका वॉल्यूम, उसका मास, डिवाइडेड बाय रेडियस कितने, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर अर्थ के अंदर चले गए तो आपने बस सेंटर से उतना ही मास लेना है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, इतना मास. आप यहाँ पर आ गए, आप पूरा मास लें, आप यहाँ पर आ गए तब मास लें. क्लियर है यहाँ तक, ये दो इक्वेशंस लिखें, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है. एक बार दोबारा बता दो. मैंने ये कहा कि अगर आप कहीं पर भी स्फेरिकल स्फेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, जब भी स्फेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, तो ये रूल है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहीं पर भी सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हैं, तो आपको पूरी की पूरी अर्थ, आपके नीचे पूरी की पूरी अर्थ आपको खींचेगी. लेकिन अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको इतना मास ही खींचेगा बस, ये रूल है. और मैंने ये समझाया, हम प्लस टू के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्लस टू में, कि अगर आपके पास एक चार्ज्ड स्फेयर है, ये सिखाया जाता है, एक स्फेयर जिसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, और तुम्हारे पास एक और चार्ज है पॉइंट मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट मास पे पूरे का पूरा स्फेयर ही फोर्स लगाएगा. लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, ये हम करेंगे, उसमें प्रूफ भी है मेरे पास इसका, और टोटल चार्ज क्यू है लेकिन पॉइंट चार्ज स्फेयर के अंदर है, तो बस इतना पोर्शन ही इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. बस फर्क ये है, प्लस टू में ना थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, ग्रेविटेशन में डिटेल उतनी नहीं है जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ज़्यादा स्टडी करते हैं हम, उसमें इसका प्रूफ भी बताया जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं. इसमें थोड़ा बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि आप सिर्फ नीचे का मास लें, उसमें तो पहले थ्योरी में एनसीईआरटी में प्रूफ है इसका, हम ऐसा क्यों करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल है पूरा. रूल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर भी याद रखना. और यह बात हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी डिस्कस की थी, जब भी आप किसी भी सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फीयर के अंदर काम करें, बाहर नहीं इनसाइड चले जाएं, तो आपको मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना पड़ता है. तो आप इसमें डेंसिटी का को इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे, बिना डेंसिटी के क्वेश्चन मत करना. अगर आप अर्थ के बाहर हैं, हाँ फिर कोई चक्कर नहीं, फिर आप डेंसिटी को मत इन्वॉल्व करें.
पर अगर आप अर्थ के अंदर चले गए किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर भी, उसने अर्थ के इनसाइड का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मास को आपको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अब गेम वॉल्यूम की है। अब क्योंकि गेम जो है वो डेंसिटी की है, क्योंकि अर्थ किसी मटीरियल की बनी हुई है और डेंसिटी अर्थ की क्या होती है, चेंज। बहुत मटीरियल है अर्थ के अंदर, डेंसिटी चेंज है, तो हम एक ही डेंसिटी मानते हैं अपनी डेरिवेशन में कि एवरेज डेंसिटी अर्थ की कितनी है, रो। तो आप मास को मास नहीं लिखेंगे, अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे। अब कैसे, ये इक्वेशन आपके पास सरफेस के ऊपर आ गई, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, और आप टोटल मास को क्या लिखेंगे, टोटल अर्थ का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, टोटल अर्थ का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, आर बच गया, इक्वेशन नंबर वन तक लिख लें, और ये भी लिख लें डेप्थ के ऊपर फॉर्मूला क्या है, जी एम डैश बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एम डैश मास को क्या लिखेंगे, एम डैश का वॉल्यूम 4/3 पाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डेंसिटी, क्लियर। तो आर माइनस एक्स के स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया। लिखें इक्वेशन नंबर वन एंड टू तक लिखें, प्लीज़ समझ के लिखें आप क्या लिख रहे हैं, एक स्टेप ध्यान से लिखें, सिर्फ कॉपी मत करें, सोच के लिखें कि कैसे स्टेप्स कैसे लिखे जा रहे हैं। नंबर वन आ गई, इक्वेशन नंबर टू आ गई, टू को वन से डिवाइड कर दें, तो 4/3 पाए जी रो सब कैंसिल, क्या बचेगा, आर माइनस एक्स बाय आर। तो आर बाय आर क्या होता है, वन, जी को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये फॉर्मूले को नोट कर लें, जी डैश इज जी इंटू वन माइनस एक्स बाय आर, इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेप्थ के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखें, ऑल्टीट्यूड में हाइट में अलग और डेप्थ में अलग लगेगा। तो डेप्थ का फॉर्मूला हो गया, और सोचें अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मेरे को तो ये टनल डिक करनी है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं डायमीटर, मैं सेंटर तक पहुँचूँगा अर्थ के, सेंटर पे जाके खड़के देखता हूँ क्या फील होगा, जब वो सेंटर पे जाएगा तो एक्स को क्या पुट करेगा, आर, क्योंकि सरफेस से वार डिस्टेंस नीचे आ गया, एक्स को जैसे ही आर पुट करेगा तो वन में से वन क्या हो गया, ज़ीरो, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, वेटलेसनेस की कंडीशन, जैसे किसने आपको ऊपर आसमान से घेर दिया, वेटलेसनेस, वैसी ही फीलिंग आएगी आपको अर्थ के सेंटर पे। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो, और वेट की वैल्यू भी, अपरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक, तो ये याद रखना वेटलेसनेस कंडीशन है सेंटर के ऊपर जाके। कोई ये बोला इसका मतलब कि चलो अगर आपने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना ही लिया तो क्या मुझे इस चीज़ का आंसर देंगे, अगर मैंने अर्थ ले ली और सोच लो मैंने एक टनल डिक कर दी और वो टनल डायमीटर में से पास कर रही है उसके, चलो ऐसे सही, इंडिया में से खोदनी शुरू की, अमेरिका पर जाके गिरी, वहाँ से निकली, अब आपने उसमें से जंप मार दी या किसी बॉल को घेर दिया, अब क्या होगा, क्या वो पहुँचेगी दूसरे, कहाँ जाएगी, घूम जाएगी, बीच में पहुँच जाएगी, बीच में रह जाएगी। देखो जब आप नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, सेंटर पर ज़ीरो हो जाएगी, सेंटर पे जीरो का मतलब वेटलेस की कंडीशन है, अर्थ सेंटर पे नहीं खींचेगी, तो सेंटर को वो मोमेंटम की वजह से क्रॉस तो कर ही जाएगी। अब अर्थ का सेंटर कहाँ रह गया, ऊपर, अब सेंटर इसे फिर ऊपर खींच लेगा, कैसे कैसे बाहर जा रही है, सेंटर ऊपर, फिर सेंटर को थोड़ा क्रॉस करेगी, फिर सेंटर नीचे, सेंटर फिर खींचेगा, सेंटर के अबाउट ये घूमती रहेगी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक चैप्टर आएगा, उसमें तो एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, ये एक बॉल को घेर दें और वो पीरियोडिकली ऊपर नीचे मूव करती है, प्रूफ करें ये बात क्यों हुई और उसका टाइम पीरियड निकालें क्या होगा, ये भी आएगा, तो इसका अगला पार्ट वहाँ पे खुलेगा। क्लियर है, तो मत एक्सपेक्ट करना कि हम सीधा स्लाइड करते हुए पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक,
अच्छी बात यह है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, तुम्हारा एक्स छोटा हो तुम्हारा एक्स बड़ा हो, फॉर्मूला एक ही है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस इज 250 न्यूटन, तो आपकी जो बॉडी है उसका एक्चुअल वेट सरफेस के ऊपर 250 न्यूटन है, और क्या हुआ आपको वेट कहाँ निकालना है जब डेप्थ कितनी है r बाई टू, तो आपको वेट निकालना है जब डेप्थ कितनी है r बाई टू, तो डेप्थ r बाई टू पे वेट निकालना है, तो अब डेप्थ का फॉर्मूला लगेगा, डेप्थ का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, वेट सरफेस का मतलब सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, तो वेट क्या बनेगा एम जी, एम जी की वैल्यू कितनी है 250, और तुमने क्या निकालना है नया वेट निकालना है, डेप्थ कितनी r बाई टू पे, डेप्थ का फॉर्मूला लगा लो, दोनों तरफ को मास से मल्टीप्लाई कर लो, m और m दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास क्या आ गया एक्चुअल वेट जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर वेट कितना है 250, x की जगह कितना r बाई टू, तो नया वेट आ जाएगा एम जी डैश, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं, वेट जी चेंज हो जाता है, तो ये हाफ हो गया, सॉल्व कर लेना आंसर 125 न्यूटन हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे यूज़ करना है इसे, तो डेप्थ पे जाके क्या फॉर्मूला लगेगा एम से मल्टीप्लाई करके नया वेट आ जाएगा, वहाँ से आंसर आएगा। सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन है जब आपकी डेप्थ 16 किलोमीटर है, आप 16 किलोमीटर नीचे चले गए तो आपका वेट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा आपका वेट बढ़ जाएगा, अच्छा सेंटर पे जाके मतलब बहुत बढ़ जाएगा, कम होगा यार कम होगा, तो याद रखना आपका जो वेट है, आप वैसे भी खुद सोचे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है, तुम ये फॉर्मूला ओपन ही करके देख लो, ये लो जब तुम ओपन करोगे ये तो कांस्टेंट है 9.8, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो ये डिफरेंस घटता जाएगा और सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ से घटती है, हाइट से भी घटती है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ रहती है सरफेस पर रहती है, तो ऊपर गए तो भी घटेगी, नीचे आए तो भी घटेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है। वो ये बोल रहे हैं कि 16 किलोमीटर नीचे आके परसेंटेज चेंज इन वेट क्या होगा, आपका भार कितना चेंज हो गया, तो क्या निकालना है आपका वेट था कितना एम जी, अब नया वेट रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया एम जी डैश, तो ये क्या आ गया चेंज इन वेट, चेंज इन वेट को ओरिजिनल वेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन वेट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज चेंज इन वेट, तो आपको ये निकालना है एम 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 कैंसल, तो आपको ये निकालना है जी बाई जी वन जी डैश बाई जी, अगर मैं आपको जी डैश बाई जी बता दूं आपका आंसर आ जाएगा। तो वापस चलते हैं, जी डैश का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें एक्स की जगह 16 आर की जगह 6400, तो यहाँ से जी को नीचे ले आए जी डैश बाई जी की वैल्यू आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ये पूरी जी डैश बाई जी की वैल्यू को उठाएं 1 - 16/6400 पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, 1 से 1 क्या हो गया कैंसल आंसर। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है वो ये लगाता है फिर उसका एलसीएम लेता है, एलसीएम लेके जी डैश बाई जी को सॉल्व करता है, वो सॉल्व की हुई वैल्यू को यहाँ पुट करता है, फिर हो सकता है उसकी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, तो लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने वन को छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा एंड में कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार तो ऐसे ही चलने दो, और जब देखा तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसल, मेरा क्वेश्चन ईजी हो गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये सारी ट्रिक्स आपको कैलकुलेशन करके ही पता लगेंगी, कोई नहीं बता सकता इन ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी गेम ही कैलकुलेशन की है, मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको मेथड ऐसे फॉर्मुलेट करने हैं इसमें कि आप कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकें बस। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, तो डेप्थ का इफेक्ट समझ में आ रहा है, दूसरा टॉपिक।